है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज की वैकेंसी के बारे में। इसमें फ्रेंड आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, आपकी कौन सी वैकेंसी है जिसके आपके लिए आवेदन कर सके, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सारी चीजों के बारे में विस्तार से हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, इसके मैं आपको ऑप्शन नोटिफिकेशन है उस पर लेके जाऊंगा। ठीक, उसके बाद हम आपको दिखाऊंगा उसके नोटिफिकेशन को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक एक करके हम सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम चलते हैं देखिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर, आपका डायरेक्टेड प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन स्टोरेज की वैकेंसी है जो कि NHAI IV फरीदाबाद हरियाणा के है। तो यहाँ पे इसकी जो वैकेंसी है उसके बारे में आपको यहाँ पे दिया गया। इन्वाइट करता है एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपकी फॉलोइंग पोजिशन रहेगी। यहाँ पे आपका सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की 2 और टेक्निकल ऑफिसर की 8 वैकेंसियाँ हैं। तो ये आपकी ये नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी टोटल 10 है। तो उन वैकेंसी के आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के विस्तार से हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड। तो यह वीडियो, अगर आपको मैं छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें और डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या करियर रिलेटेड जानकारियों की वीडियो की अपडेट के लिए हमारे चैनल साथ बने रहें। यह आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्लेस वर्क, आपका सैलरी वेरियस ऑफिसर डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन स्टोरेज फरीदाबाद, सुटेबल ऑल ओवर इंडिया, डिटेल आपका इन्फॉर्मेशन, ऑल टर्म अपॉइंटमेंट ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको 10 दिन के अंदर इसकी आपको नोटिफिकेशन जारी किया है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर से, वहाँ से आपको आवेदन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया 19 तारीख के, आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जारी किया 29 तारीख इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो आपको वहाँ पर देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका एड्रेस है, ये पूरा ईमेल आईडी दे रखी है। ठीक है, ये फोन नंबर दे रखा है। अब बात करते हैं नीचे, तो गाइडलाइन फॉर एंगेजमेंट टेक्निकल ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर। ठीक है, यहाँ पे इसके देखिए कॉन्टैक्ट बेस पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इसका बैकग्राउंड की बात करें, DPQS की हैज बीन एंगेजिंग कॉन्ट्रैक्ट टेक्निकल मैन पावर टाइम टू टाइम। ठीक है, ड्यू टू एक्यूकेट आपका शॉर्टेज रेगुलर मैन पावर। आपका नॉमी कल्चर के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, और उसके आप एलिजिबिलिटी रहते हैं स्टीम डाइट टॉक्सोलॉजी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डॉक्टरेट डिग्री होनी चाहिए वेटरनरी में, फार्माकोलॉजी में, वेटरनरी पैथोलॉजी, ठीक है, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी एंड वेटरनरी साइकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में, केमिस्ट्री में डॉक्टरेट डिग्री इन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, डॉक्टरेट डिग्री इन केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। यहाँ पे इंटरमोलॉजी में डॉक्टरेट डिग्री इन इंटरमोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, और डॉक्टरेट डिग्री एग्रीकल्चर स्पेशलाइजेशन इन इंटरमोलॉजी या नेमेटोलॉजी, डॉक्टरेट डिग्री इन जूलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इंटरमोलॉजी या नेप्टोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। प्लांट आपका पैथोलॉजी में यहाँ पे आपको उसके बारे में दे रखा है, तो देखें वीड साइंस के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो उसके बारे में दे सकते हैं। टेक्निकल ऑफिसर की बात, यहाँ पे आपको टॉक्सोलॉजी मास्टर डिग्री होनी चाहिए वेटरन साइंस या मास्टर डिग्री इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी, और मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन जूलॉजी स्पेशलाइज्ड एनिमल साइकोलॉजी या मास्टर डिग्री बायो आपकी टेक्नोलॉजी में। केमिस्ट्री की बात है, एमएससी डिग्री एग्रीकल्चर केमिस्ट्री या केमिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन आपके केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इंटरमोलॉजी में एमएससी डिग्री इन इंटरमोलॉजी एंड नेमेटोलॉजी ऑफ एमएससी एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन एंटोमोलॉजी, या आप देख सकते हैं नेमेटोलॉजी ऑफ एमएससी डिग्री इन जियोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन एंटोमोलॉजी, या आप देख सकते हैं नेमेटोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। प्लांट आपका पैथोलॉजी में एमएससी डिग्री होनी चाहिए प्लांट पैथोलॉजी ऑफ एमएससी इन एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन प्लांट पैथोलॉजी, या आप देख सकते हैं एमएससी डिग्री इन बॉटनी विद स्पेशलाइजेशन प्लांट पैथोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। वीड साइंस के एमएससी एग्रीकल्चर होनी चाहिए, या एमएससी आपकी होनी चाहिए बॉटनी विद वीड साइंस एज सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ पे नीचे आप बात कर नीचे आपकी मैन पावर एंगेजमेंट की, यहाँ पे 2 कैटेगरी जो है सीनियर आपकी ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर में। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर दे रखा है, इसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया। तो यहाँ पे आपको जो सिलेक्शन होगा आपका इंटरव्यू बुलाया जाएगा। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन विल बी थ्रू वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर होगा। ठीक है, पैनल क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी मेड एज सिलेक्शन कमेटी विद द वेट लिस्टिंग, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट विल बी मेड अवेलेबल विद इन 24 आवर उसकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है,
नोटिफाई कैंडिडेट इशू ऑफर एंगेजमेंट एज पर द मेरिट लिस्ट नोडल ऑफिसर कैंडिडेट विल बी गिवन 15 डे फॉर टाइम फॉर ज्वाइनिंग. 15 दिन के अंदर आपको यहाँ पे ज्वाइन करना होगा. ठीक है, सिलेक्शन कमेटी यहाँ पे आपको दे रही है चेयरमैन, यहाँ पे आपको उसके बारे में देगा, 4 मेंबर होंगे उनके बारे में दे रखा है. एज की यहाँ पे बात करें और सीनियर की 40 और मेल कैंडिडेट आपका फीमेल 45 दे रखा है. ठीक है, यहाँ पे आपको दे रहा है फॉर टेक्निकल ऑफिस 35 फॉर फीमेल कैंडिडेट, यहाँ पे आपको 40 दे रखा है. ठीक है, एससी एसटी को 5 साल का रिलेक्शन मिलेगा. डिसिप्लिन यहाँ पे आपको दे सकते हैं, यहाँ पे बाकी आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी, इसके बारे में दे सकते हैं. आपकी जो पर मंथ रहेगा 37,000 रहेगा आपका एसटीओ का और टीओ का, और टेक्निकल का यहाँ पे आप दे सकते हैं एसटीओ का 53,000 रहेगा. ठीक है, बाकी आपकी यहाँ पे जानकारी है, आपका टीएडीए और टूर लीव बाकी सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी. इनकम टैक्स अदर कंडीशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी. ठीक है, अमेंडमेंट गाइडलाइंस जो है यहाँ पे आप पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं. यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं, आपका पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पर एसटीओ टीओ पे अप्लाई कर सकते हैं. चूजिंग प्लेसिंग पोस्ट, फुल नेम, आपका फादर नेम, मेल फीमेल, आप ट्रांसजेंडर है, डेट ऑफ बर्थ, आपका एज ऑफ इंटरव्यू के समय क्या है. ठीक है, वेदर बिलोंग टू एससी एसटी कैटेगरी जो भी है, मैरिटल स्टेटस, मोबाइल नंबर, ईमेल, हस्बैंड, आपका एड्रेस, पिन कोड के सहित यहाँ पे सिग्नेचर. ठीक है, यहाँ पे फोटो सिग्नेचर दोनों होने चाहिए. यहाँ पे आपका डिटेल और एजुकेशन के बारे में 10th 12th, आपका बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डॉक्टरेट के यहाँ पे आपको बताना है. यहाँ पे आपने नेट या JRF क्वालिफाई किया है या आपको यस या नो में क्लिक करना है. क्रोनिकल लिस्ट ऑफ एक्सपेंस की यहाँ पे बतानी है. पब्लिकेशन नंबर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सब आपको बता के भेजना हुआ है. ठीक है फ्रेंड, ये थी आपकी वैकेंसी, आपकी टीओ और एसटीओ की वैकेंसी के बारे में. अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के हेल्प लो तो प्लीज जरूर बताएं. गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी वीडियो की अपडेट के लिए डेली अपडेट के हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.